तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन जो है वो दो तरह से, तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन और थिंग्स। यहाँ पर दूसरा नंबर में इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। इसका मतलब हुआ कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पशु या भावना के विचार को कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है मोहन, सोहन, रोहन, सलीम, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु हो तो जैसे आप बोल सकते हैं पेन, बुक, गोल्ड, कोई वस्तु। स्थान का नाम हो सकता है बिहार, दिल्ली, या कोई भी स्थान हो सकता है। पशु का नाम हो सकता है, ठीक है, काऊ, ऑक्स, या ऐसा किसी भी पशु का नाम हो सकता है। भावना, भावना का क्या मतलब होता है, जो हम फील करते हैं, तो फीलिंग्स जो होती है दोस्तों वो भी नाउन के अंतर्गत आती है। और ये जो भी कैटेगरी है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले अब इसका ओवरव्यू एक मैं आपको ट्रिक में बताऊँ। इसके लिए नाउन पहचानने का एक बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊं, तो जिसे दुनिया में वो सारा चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उन सभी चीज़ों को, वस्तुओं को हम नाउन कहेंगे। जैसे इस बोर्ड को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये वस्तु है और इसका एक नाम रखा गया है दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम नाउन कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई पेन रखा हुआ है आपके हाथ में, तो वो एक वस्तु है और उसका नाम रखा गया है, इसलिए उसका नाम जो रखा गया है वही नाम, जो नाम रखा गया वही नाम वो नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, आगे देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार, संज्ञा के जो प्रकार हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पांच प्रकार का मैंने लिखा हुआ है, और भी टाइप होता है बट आप देख लें पहले इसको। तो नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो पांच तरह का है। अभी नाउन का प्रकार पांच तरह से लिखा गया। पहला है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, इसका मतलब है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन, जिसका मतलब है समूहवाचक संज्ञा। और ये अगला है मेटेरियल नाउन, जिसका मतलब है द्रव्यवाचक संज्ञा। और अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इसमें जो पहला है उसके बारे में देखते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्ति, खास व्यक्ति, ठीक है, विशेष व्यक्ति। तो मोहन वस्तु में क्या हो सकता है, सन, स्थान में क्या हो सकता है, वो पटना या दिल्ली, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्थान का नाम यानी विशेष, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है जैसे महीनों के नाम, मार्च, जनवरी, दिसंबर, या कोई भी महीना का जो नाम है उसका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया दोस्तों, ठीक है। जैसे सप्ताह का नाम, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये जो भी सप्ताह का नाम है वो सभी नाम जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है। त्योहारों के नाम को भी हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे दीपावली। देश का जो नाम होता है उस देश के नाम को भी हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे इंडिया। शहरों एवं महत्वपूर्ण भवन, शहर जैसे दिल्ली, महत्वपूर्ण भवन मतलब कि ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो ऐसे जगहों या महत्वपूर्ण जो भवन है उसका नाम भी दोस्तों वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने समुद्र का नाम, तो समुद्र के नाम को भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है, जैसे अरबियन सी, महासागर, द इंडियन ओशन। झील का नाम, लेक मिशिगन, यानी कि मिशिगन एक लेक का नाम है। पर्वत का नाम, द हिमालयाज। नदी का नाम, द गंगा। तो प्रॉपर नाउन में इतने चीज कैपिटल में होगा, इसे याद रखें दोस्तों। अगला जो नाउन का टाइप है वो देखें, अगला है सेकेंड नंबर कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा
में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर जो है उसके पूरे जाति भर का बोध हो। ठीक है, ऐसा शब्द यूज करेंगे जिससे पूरे जाति भर का बोध होना चाहिए। जैसे जैसे दोस्तों, पेशा या पद, या कोई व्यक्ति है जिसका कोई पेशा है या कोई पद पर है, ठीक है, उसका नाम अगर हम लेते हैं तो वो जातीयवाद संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जैसे टीचर, फार्मर, डॉक्टर, ये सभी। पक्षियों के नाम को जो है हम जातिवाचक संज्ञा के कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे हेन, पैरोट, ठीक है, काओ, ये सभी शब्द जो है, यानी कि पक्षियों के नाम को हम लोग, जानवरों के नाम को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे डॉग, पप्पी, या जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनके नाम को भी हम लोग कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। कीट पतंगों का जो नाम है उसको भी हम जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे बी एंड। स्थानों के नाम जैसे पार्क, जू, स्कूल, ठीक है, तो इससे जाति भर का बोध होता है। सब्जियों का नाम ले लीजिए, इन सभी को जो है हम लोग जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एक नोट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझें। व्यक्ति का नाम उसके अंतर्निहित गुणों को बताने के लिए अगर किया जाता है तब उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है। जैसे कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का नाम, हालांकि कालिदास और शेक्सपियर अलग हम मैं लिखूँ तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, बट इस व्यक्ति का जो अंतर्निहित गुण है उसको बताने के लिए दूसरे व्यक्ति से तुलना किया गया है, इसलिए उसको जो है वो हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो